नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश TA हो, कैन सुपरवाइजर हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, AFO, AAO, कृषि पर्यवेक्षक, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, मसाले की खेती, ठीक है। मसाले, जितने भी मसाले होते हैं, उससे एक या दो क्वेश्चन एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं। तो जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं मसालों से संबंधित, उन प्रश्नों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एग्रीकल्चर TA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, STA के एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, या डाई एलिल डाइसल्फाइड, या आइसो थायोसाइनाइड के कारण, या कैप्सिसिन के कारण। तो यहाँ पर पूछा है प्याज में तीखेपन का कारण। तो प्याज में तीखेपन का कारण है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी देख लेते हैं, अगर लहसुन में तीखेपन का कारण पूछे एग्जाम में, तो लहसुन में जो तीखापन या गंध का कारण जो है, तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद मिर्च में जो तीखापन होता है, कैप्सिसिन के कारण होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तिलहन की फसलों में तेलों का जो रंग होता है पीला, वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन किसके कारण आता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण कसैलापन आ जाता है। तो इन सब टॉपिकों को आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 4 से 6 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, या 10 से 12 किलोग्राम। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश TGT 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक हेक्टेयर रोपाई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और नर्सरी कितनी चाहिए? 500 वर्ग मीटर एक हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करना पड़ता है। और प्याज के जो पौध हैं, 6 से लेकर 8 सप्ताह में रोपने योग्य हो जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज फसल का कौन सा मुख्य कीट है? तो प्याज की जो फसल है उसमें मुख्य कीट कौन सा लगता है? भुनका लगता है, मेगाट लगता है, बालदार सूनी लगती है, या सफ़ेद गिटार लगता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भुनगा जो है ये प्याज का प्रमुख कीट माना जाता है। प्रमुख कीट में थ्रिप्स ऑप्शन में था नहीं, गिडार ये भी था नहीं, इसलिए भुनगा हम राइट कर देंगे। तो तीनों ही कीट आप याद रखेंगे, थ्रिप्स, गिडार और भुनगा, ये तीनों ही जो प्याज के हैं मुख्य कीट है। अगर रोग की बात करें तो रोग पूछे तो नील लोहित धब्बा जो रोग लगता है प्याज में, ये भी, और डाउनी मिल्डियो फ्यूजेरियम रॉड, ये जो रोग हैं ये प्याज के मुख्य रोग हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। एक हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितनी क्लोव की आवश्यकता होती है? अगर एक हेक्टेयर हमको लहसुन लगाना है तो कितने क्लोव की आवश्यकता होती है? 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम या 300 किलोग्राम? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TGT के अंदर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 500 किलोग्राम, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लो का मतलब होता है कलियाँ, कितनी कलियों की आवश्यकता पड़ती है, तो 500 किलोग्राम आवश्यकता पड़ेगी एक हेक्टेयर के लिए। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? दोमट बलुआर मिट्टी, बलुआर दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी या मटियार दोमट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोमट भूमि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। तो लहसुन का वैज्ञानिक नाम जो होता है एलियम सेटाइवम होता है, याद रखेंगे, फैमिली एलिएसी होती है, ठीक है। और इसकी खेती के लिए दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी गई है, जिसका पीएच मान कितना हो, 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, ना ही अधिक लवणीय होनी चाहिए ना ही अधिक क्षारीय होनी चाहिए। ऐसी भूमि खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोमट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश TGT 2021 और LDA एग्जाम 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति बताना है, ठीक है। खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? पूसा रेड है, पूसा रतनार है, या एग्री फाउंड डार्क रेड है, या एग्री फाउंड लाइट रेड है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एग्री फाउंड डार्क रेड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ सीजन की और भी कुछ वेराइटियाँ हैं, उनको भी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। खरीफ मौसम में उगाने के लिए प्याज की निम्न प्रजातियाँ हैं, जैसे याद रखेंगे पूसा रिद्धि, अर्का कल्याण याद करना है, एग्री फाउंड डार्क रेड, उसके बाद एग्री फाउंड रोज, यन 53 जिसको नासिक 53 के नाम से जाना जाता है, नासिक के क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध किस्म है। उसके बाद देखेंगे बसवंत 780, भीमाराज, भीमा रेड और भीमा सुपर और भीमा सुब्रा, ये सब किस्में किसकी हैं? प्याज की खरीफ सीजन की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, फिर वही आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्याज की प्रजाति खरीफ में उगाई जाती है? तो खरीफ में कौन सी प्याज की वैरायटी उगाई जाती है ये आपको बताना है। यन 53, पूसा माधवी, कल्याण रेड राउंड या अर्ली ग्रेनो। तो यन 53 अभी बता चुके हैं कि यन 53 खरीफ के सीजन में उगाई जाने वाली प्याज की किस्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रोपण के लिए प्याज की बेहन या बेरन या जरई कहते हैं, उचित आयु कितनी होनी चाहिए? 2 से 4 सप्ताह के मध्य, 5 से 6 सप्ताह के मध्य, 8 से 10 सप्ताह या 12 से 14 सप्ताह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 8 से 10 सप्ताह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी रोपण के लिए प्याज जो होती है उसके पौध 60 से लेकर 70 दिन में तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 से लेकर 10 सप्ताह में ये तैयार हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिर्च की सदाबहार किस्म में गुण होता है, वर्षानुरागी या शुष्क मौसम के लिए या सर्दी सहनशीलता या रोगरोधी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी शुष्क मौसम के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च की सदाबहार जो किस्म है ये शुष्क मौसम में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है, ठीक है। तो याद रखेंगे सदाबहार किसकी किस्म है, मिर्च की है, शुष्क मौसम में इसको आसानी से उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं यहाँ पर बताना है। यहाँ देखेंगे अदरक क्या राइजोम होता है, ये एकदम सही है। लहसुन क्या बल्ब होते हैं, लहसुन प्याज बल्ब होते हैं। आलू ट्यूबर होता है, ये भी सही है। शकरकंद स्टोलन होता है, नहीं, शकरकंद जो होता है ये क्या होता है, राइजोम होता है ना। शकरकंद क्या होता है, तो शकरकंद एक प्रकार का जड़ होता है दोस्तों, याद रखेंगे जड़ होता है। शकरकंद क्या होता है, जड़ होता है। यहाँ देख सकते हैं अदरक जो है राइजोम है, लहसुन प्याज बल्ब होता है, आलू जो है ट्यूबर होता है, शकरकंद क्या है, जड़ होता है। तो इसलिए इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे।
क्वेश्चन कह रहा है, प्याज की व्यावसायिक फसल में बॉल्टिंग की समस्या आती है यदि तापक्रम होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो बॉल्टिंग की समस्या कब आती है? तो बॉल्टिंग की समस्या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होता है तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे प्याज की अगेती बुआई करने पर गांठें नहीं बन पाती है क्योंकि उसमें कम तापक्रम पर बॉल्टिंग की क्रिया शुरू हो जाती है, इसीलिए उचित तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्याज का पीला रंग बताना किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण, लाइकोपीन के कारण या कैरोटीन के कारण? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्यूरेसिटीन के कारण प्याज का पीला रंग आता है। प्याज का पीला रंग क्यूरेसिटीन, याद रखें कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का पीला रंग कैरोटीन और मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन, थीन लगा होगा और सीन जिसमें लगा रहेगा वो तीखापन हो जाएगा मिर्च का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? सॉरी दोस्तों, प्याज की बताना है प्रमुख बीमारी कौन सी है भारत में? पत्तियों की अगमारी, कंडुआ रोग, बैगनी ब्लांच या सफ़ेद गलन? तो भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी कौन सी है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी ब्लांच, ठीक है, जिसको हम पर्पल ब्लांच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में देखेंगे प्रमुख बीमारी जो है पर्पल ब्लांच ऑफ ऑनियन, जिसके कारण क्या होता है, प्याज में पीलापन होकर प्याज जो होती है सूख जाती है और प्याज का आकार छोटा हो जाता है, जिससे उत्पादन में क्या होती है, कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा लहसुन की प्रजाति नहीं है? तो लहसुन की प्रजाति इसमें से बताना कौन सी नहीं है, एग्रीफाउंड सफ़ेद, एग्रीफाउंड पार्वती, यमुना सफ़ेद या एग्रीफाउंड हल्की लाल, जिसको एग्रीफाउंड लाइट रेड कहा जाता है। ये हो जाएगी प्याज की वैरायटी, ठीक है, ये हो जाएगी प्याज की वैरायटी, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे एग्रीफाउंड हल्की लाल जो है ये प्याज की किस्म है, बाकी शेष जितनी तीनों हैं वो लहसुन की किस्में हैं। एग्रीफाउंड लाइट रेड जो है ये महाराष्ट्र की यानी कि नासिक के आसपास के क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके तेल के अंदर यूजिनॉल पाया जाता है? तो यूजिनॉल किस में देखने को मिलता है, किसके तेल में? तो ये क्लो के अंदर देखने को मिलता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्याज के मुख्य फसल का बीज दर है, तो प्याज में मुख्य फसल का बीज दर सीड रेट आपको बताना है, 2 से 4 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम या 11 से 12 किलोग्राम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम, सीड रेट पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है, प्याज में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे गाजर में सीड रेट, तो गाजर में सीड रेट आपको याद रखना है 5 से 6 किलोग्राम, पत्ता गोभी का सीड रेट आपको याद रखना है 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यहाँ ध्यान देंगे मूली का 5 से लेके 11 किलोग्राम, उसके बाद पालक का याद रखेंगे 20 से लेके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम नहीं रहेगा, ये 500 ग्राम रहेगा, ठीक है, 500 ग्राम रहेगा पत्ता गोभी में, 400 से 500 ग्राम लगता है, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो 500 ग्राम कर लीजिएगा इसको पत्ता गोभी का सीड रेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में जीरे की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर कितनी रखते हैं? तो अगर राजस्थान के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जीरे की खेती राजस्थान के अंदर ही होती है, पूरे भारत की बात करें तो वहाँ पर जो बीज की बुआई करते हैं तो उसमें बीज दर कितनी रखी जाती है 1 हेक्टेयर के लिए, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 12 से 15 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 किलोग्राम, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान में जीरे की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर 12 से 15 किलोग्राम रखा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 60% जो जीरा है इसका उत्पादन राजस्थान अकेले करता है, याद रखेंगे। और जीरे के तेल में मुख्य जो तत्व पाया जाता है उसको क्यूमिनॉल के नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोल्टिंग किस फसल का विकार है? आलू का है, टमाटर का है, लहसुन का है या प्याज का है? तो बोल्टिंग की समस्या जो पाई जाती है वो प्याज के अंदर देखने को मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का प्याज का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्याज की फसल में रोपाई के बाद पौधे पर असमय फूल आ जाते हैं जिससे प्याज के कंद का बढ़वार जो है रुक जाता है और उसमें जो अचानक डंठल में विकसित होने लगता है जिसको हम बोल्टिंग के नाम से जानते हैं। बोल्टिंग जो है ये 10 से लेके 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या अधिक तापमान या देरी से रोपाई करने पर या नाइट्रोजन की कमी के कारण ये बोल्टिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बोल्टिंग की प्रतिरोधी जो किस्म है, याद रखेंगे, अर्ली ग्रेनो। ये एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बोल्टिंग प्रतिरोधी जो किस्म है अर्ली ग्रेनो है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है, अजमेर में है, आनंद में है, कालीकट में है या नई दिल्ली में है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कालीकट, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कालीकट कहाँ है तो याद रखेंगे, ये केरल के अंदर है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद और भी कुछ संस्थान है, याद रखना है आपको। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, याद रखेंगे। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। सेंट्रल टैबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, श्लेष्मकीय पदार्थ भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है? फूल से निकालते हैं, पत्ती से निकालते हैं, तना और जड़ से निकालते हैं या फल से निकालते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये फल से निकाला जाता है, फ्रूट से निकाला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भिंडी के फल से श्लेष्मकीय पदार्थ निकाला जाता है। इसकी जड़ों और तनों को गन्ने के रस को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जड़ों और तने जो होते हैं भिंडी की, उनको क्या करते हैं, गन्ने के रस को साफ करने में प्रयोग में किया जाता है, जिससे गुड़ क्या होता है, अच्छा बनता है। और भिंडी के फलों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पाया जाता है। भिंडी के फल में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, तो आयोडीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसके रेशे का उपयोग हम जूट, कपड़ा और कागज बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन के साथ मसालों की खेती हमारी समाप्त हो गई। इसमें देखेंगे, उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की प्याज अगर लगानी है तो उसके लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करेंगे? एग्री फाउंड रोज, एग्री फाउंड लाइट रोज, एग्री फाउंड डार्क रेड या एग्री रेड राउंड? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्री फाउंड डार्क रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त जो प्रजाति है, एग्री फाउंड डार्क रेड, ये उपयुक्त मानी गई है। यह खरीफ के लिए उपयुक्त किस्म है। फसल रोपने के 150 से 160 दिन में क्या होती है, तैयार हो जाती है, ठीक है। और उत्पादन की बात करेंगे, 300 से लेकर 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको उपज मिल जाती है। और यह उत्तरी भारत के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी गई है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई, छोटी सी वीडियो थी, मसालों की खेती समाप्त हो गई। इसके बाद कल के वीडियो के अंदर हम जैम, जेली, मार्मलेड, इन सब प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन
बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं 8 बजे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।